नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों। आज छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के सीएम से पीएम करेंगे चर्चा, कोरोना रोकथाम को लेकर के देंगे दिशा निर्देश। केंद्र पर भेदभाव का आरोप, सीएम ने कहा 30,000 करोड़ मांगे थे नहीं मिले, अब तो केंद्र पीपीई किट भी नहीं दे रहा। छत्तीसगढ़ के रावघाट में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, हथियार भी बरामद। अपराधों की रोकथाम को लेकर एक्शन मोड के निर्देश, गृह मंत्री साहू ने ली अहम बैठक, बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरिया पति ने शराब के नशे में की पत्नी की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में 2,747 नए संक्रमित मिले, 14 मौतें, 2 लाख मरीज हुए ठीक। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा, सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत होगी, कोविड 19 को लेकर के चर्चा की जाएगी। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा, सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। कोविड 19 को लेकर के चर्चा की जाएगी। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा, कोविड 19 को लेकर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बात की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम आपको बता दें, रायपुर में करोड़ों के कारों को करेंगे लोकार्पण। 33,25,00,000 रुपए के कारों का लोकार्पण करेंगे, रायपुर को सीएम देंगे सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में नागरिक सुविधाओं से संबंधित लगभग 33,25,00,000 रुपए की लागत के कारों का आज लोकार्पण करने वाले हैं। ये कार रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण कराए गए हैं। सीएम इनमें से 3,28,00,000 रुपए की लागत से निर्मित देवेंद्र नगर ग्लोबल चौक व सड़क चौड़ीकरण कार्य, लगभग 2,52,00,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन स्मार्ट रोड में कराए कार्य, लगभग 75,00,000 रुपए की लागत से कलेक्टोरेट उद्यान में जन सुविधाओं के उन्नयन कार्यों, लगभग 20,70,00,000 रुपए की लागत से कराए गए जवाहर बाजार परिसर के सौंदर्यीकरण, लगभग 6,00,00,000 रुपए की लागत से निर्मित नए सिटी कोतवाली थाना भवन और बूढ़ा तालाब में लगाए गए म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण किया जाएगा। रायपुर में करोड़ों के कारों का करेंगे लोकार्पण, 33,25,00,000 रुपए की कारों का लोकार्पण करेंगे भूपेश बघेल।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को 2061 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1287 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2747 पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। सोमवार को 2061 कोरोना के नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1287 केस सामने आए। आपको बताते चलें, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 1287 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2786 पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। सुकमा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुकमा से बड़ी खबर बता रहे हैं, 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़े सेट्टी में नव निर्मित अस्पताल भवन तोड़ने में थे शामिल। नक्सलियों ने बड़े सेट्टी में भवन को किया था क्षतिग्रस्त। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। तीन नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़े सेट्टी में नवनिर्मित अस्पताल को तोड़ने में थे शामिल। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। तीन नक्सलियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। नक्सलियों ने बड़े सेट्टी में भवन को किया था क्षतिग्रस्त। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नरवा योजना तेजी से मूर्त रूप ले रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के प्रमुख घटकों में नरवा, गरुवा, घुरवा और बाणी योजना में नरवा परियोजना के तहत प्रदेश में वर्षा जल संचयन, सिंचाई और आजीविका के साधनों का तेजी से विकास हो रहा है। नरवा परियोजना के तहत प्रदेश के बस्तर जिले में वर्षा जल संचयन के लिए टू वैली कॉन्सेप्ट के अनुसार DPR तैयार किया गया। योजना के तहत ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी जो सतही भंडारण या भूजल के माध्यम से आगे के उपयोग के लिए वर्षा जल की कुछ मात्रा को धारण करने और पुनर्भरण करने में सक्षम हो। कम वर्षा और कम सिंचाई क्षमता के कारण जलवायु परिवर्तन और सिंचाई क्षमता की कमी के कारण आजीविका प्रभावित हुई है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित आजीविका बनाना है, क्योंकि वे अधिकतर सिंचाई और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अपराधों के रोकथाम के लिए पुलिस एक्शन में दिखे। उन्होंने कहा कि हर थाना क्षेत्र में अपराधों के रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से रात्रिकालीन गश्त की जाए, मेडिकल और आबकारी अधिकारियों से समन्वय कर नशीली पदार्थों और अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए। साहू आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था एवं अपराधों की रोकथाम की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गृह मंत्री साहू ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गुंडे बदमाशों को चिन्हित करें, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, चौक चौराहे कैमरे की संख्या बढ़ाएं, होटलों में बाहर से आने वालों पर निगरानी रखें, अपराधियों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखें, समय समय पर व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक भी ली जाए। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने भी अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। सभी संभागों के पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया रविवार को बालोद जिले के अपने डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र स्थित गांवों के दौरे में रही। मंत्री के इस दौरे कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को ढेरों सौगातें हासिल हुई हैं। मंत्री के गांव आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, साथ ही साथ की अपने मांगों को मंत्री अनिल भेड़िया के सामने रखा है। ग्राम कारूटोला में मंत्री अनिला भेड़िया के हाथों धान खरीदी केंद्र का भूमि पूजन हुआ। ग्राम काड़े और ग्राम चीचल गोंदी में स्कूल भवन निर्माण का भूमि पूजन, वहीं ग्राम बम्हई और कोपी डेरा पहुंचकर स्कूल भवन का लोकार्पण कर विकास कार्यों की सौगात। मंत्री अनिला भेड़िया के इस दौरे कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। आज डोंडी ब्लॉक में बहुत से क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के लोकार्पण भूमि पूजन था। ये हमारी मुख्यमंत्री की सोच थी कि बहुत बड़े बड़े गांव हो जाते हैं, जो दूरी हो जाती है खरीदी केंद्र में, उसको तोड़ के छोटे छोटे जगह में करें ताकि किसानों को वहां तक धान पहुंचाने में आसानी हो। इसलिए हमारे डोंडी लोहारा विधानसभा में 14 नए ऐसे खरीदी केंद्र बनाए हैं, जिससे हमारे किसान भी बहुत खुश हैं और यहाँ की जनता भी खुश है मुख्यमंत्री के इस काम से। करने सतनाम संदेश यात्रा का चौथा चरण बिलासपुर से कोरबा के बीच निकाला गया। बिलासपुर से कोरबा पहुंचने में जगत गुरु रुद्र कुमार गुरु की 14 घंटे का समय लगा। अमूमन 2 से 2.5 घंटे में बिलासपुर से कोरबा पहुंचने का जो समय लगता है, लेकिन सतनाम संदेश यात्रा में समय 14 घंटे से ज़्यादा लग गया। बिलासपुर से अगलतारा होते हुए जगह जगह स्वागत, आपको बता दें स्वागत गुरु रुद्र कुमार गुरु का भी स्वागत किया गया। सतनामी समाज में एकजुटता नजर आए। लंबे समय से अलग अलग गुटों में बटे सभी सतनामी समाज के लोगों को सतनाम संदेश यात्रा के बैनर तले एकजुट करने में सफल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सतनाम संदेश यात्रा हमारे सतनामी समाज के जगत गुरु परम सद्धे विजय रुद्र कुमार जी, जो कि अभी छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में यह यात्रा निकाला जा रहा है। इस यात्रा को निकालने के मुख्य उद्देश्य है कि सतनामी समाज में एकता बने और अधिक से अधिक बने, और साथ में बाबा जी का जो संदेश है, मनखे मनखे एक समान। गुरु रुद्र गुरु, और हम उनसे जानना चाहेंगे जो अभी सतनाम यात्रा यहाँ जो चौथे चरण जो बिलासपुर से कोरबा पहुँची है सतनाम यात्रा को लेके। सर, हम जानना चाहेंगे सतनाम यात्रा भी जो लगातार चौथे चरण में भी चल के कोरबा आई है,
उसके बारे में क्या, समाज के बारे में क्या मतलब संदेश देना चाह रहे थे? समाज की मंशा थी कि समाज की एकता और समाज का जो रीति रिवाज है उसकी वह जन जन तक पहुँचे और निरंतर समाज के लोग, चाहे कार्यकर्ता हों, युवा पीढ़ी हों या हमारे महंतगण हों, ये लोग हमारे पास आते थे इस बात को लेकर। तो हमने उन्हीं से कहा था कि आप ये लोग कुछ रूपरेखा बना लीजिए, उसमें हम साथ आप लोगों के साथ रहेंगे। तो समाज के लोगों ने ही यह के द्वारा ही यह सतनाम संदेश यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब दौरा तरफ तो पहले भी होता था, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन आज सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, तो आप लोगों के जरिए ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो जाता है। और जो बाबा जी की वाणी है मन के एक समान, वह इस यात्रा में भी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो भूपेश सरकार की जो योजनाएं जो चल रही हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। कैमरा पर्सन राजू चंद्र साथ चंद्र कुमार श्रीवास के न्यूज़ इंडिया कोरबा। भाजपा जिला कोरिया की प्रथम जिला कार्य समिति की बैठक भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की छायाचित्रों पर द्वीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को कोसते हुए कहा कि इस सरकार ने रेत की कीमत में भारी वृद्धि, किसान विरोधी नीतियां, हर तरफ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार किया और मंत्रियों चहेते आयोग ठेकेदारों को ठेका दिया है। भूपेश सरकार से जनता 2 सालों में ही त्रस्त हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ और सिर्फ नरवा घरवा घुरवा बाड़ी में ही शासन का पूरा पैसा खर्च कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार जनता को कर्ज में डुबा रही है। लेकिन जो अंतर से करीब करीब जिले का जो जिला कार्य समिति है उसका पहला बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष के नाते और हमारे संगठन महामंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग की इच्छा भी थी कि हम लोग अधिक से अधिक जिलों में जाएं और जिले वालों की भी इच्छा थी कि हम लोग आएं। और आज ये कार्य समिति का बैठक एक रूटीन बैठक है पार्टी का, ये केंद्र स्तर में, प्रदेश स्तर में, जिला स्तर में और मंडल स्तर तक में हर 3 महीने में एक बार। मतानंद दिवस के अवसर पर सोमवार को जनपद पंचायत के सभा कक्ष में शहरी क्षेत्र मनेंद्रगढ़ के वार्डों में कार्यरत सभी वार्ड मितानिनों का सम्मान किया गया। मितानिनों का सम्मान समारोह जिला पंचायत सदस्य एवं जिला समन्वयक उषा सिंह ने आयोजित किया। शहरी क्षेत्र के सभी मितानिनों का सम्मान SDM नयन तारा सिंह तोमर, नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, जिला पंचायत सदस्य व जिला समन्वयक उषा सिंह करियाम के द्वारा साड़ी, श्रीफल व पेन दे करके किया गया। आज मितानिन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत सदस्य उषा मैम, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष श्री तिवारी जी, समस्त मितानिन बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। अभी जैसे आप सभी के सामने मुझे बताया गया कि आपकी नियुक्ति अभी हुई है लगभग मार्च 2020 से, तो जब आप नियुक्त हुई हैं वह बहुत ही मुश्किल का दौर था। नगरीय निकाय क्षेत्रों के झुग्गी बस्तियों के लिए शुरू की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट और विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर के स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 4 कैंप आयोजित किए गए जिसमें 312 मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य जाँच करवाई, जिसमें से 68 मरीजों के लैब टेस्ट किए गए और 308 मरीजों को दवाइयों का वितरण किया गया। जांच कराने वाले मरीजों में 56 मरीज श्रम विभाग से पंजीकृत हैं जबकि 32 मरीजों में श्रम विभाग में पंजीयन के लिए आवेदन दिए हैं। इसी प्रकार से दाई दीदी क्लिनिक योजना के 50 महिलाओं का इलाज किया गया है।
छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव में वर्चस्व की हार के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी अब धान सत्याग्रह के जरिए पूरे प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गई है। तीन सूत्रियों मांगों को लेकर के पार्टी सुप्रीमो अमित जोगी प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर के मरवाही सदन से आज धान सत्याग्रह की शुरुआत की गई। अमित जोगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष की धान खरीदी बहुत ही निराशाजनक रही। केंद्र सरकार से 18,500 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 6,000 करोड़ रुपए एकमुश्त राशि नहीं दी गई। बिलासपुर के मरवाही सदन में धान सत्याग्रह की शुरुआत में मुट्ठी भर जोगी कांग्रेस के नेता सम्मिलित हुए, जिसमें कोटा विधायक रेणु जोगी और लोरमी में विधायक धर्मजीत सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। खबर मुंगेली से, जहाँ पर लोरमी विकास खंड अंतर्गत ग्राम तेलियापुरान में मितानिन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र के मितानिनों को सम्मानित करके कार्यशैली व कार्यों का सराहना की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह बैस सहित जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। आपको बता दें, इस कोरोना संकट काल में मितानिनों ने फ्रंट वॉरियर के रूप में एक अहम भूमिका निभाई और मितानिनों का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके द्वारा बच्चों को टीका लगाने से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, अस्पताल लेकर के जाना, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य रखने के लिए पोषण आहार संबंधी जानकारी देना, काम सभी काम जिम्मेदारी के साथ किए गए हैं। कावर के प्रोग्राम भैया के 8-10 जगह तो जल्दी आए कि महू के रहे तब वो टाइम हो गया। आज हमार भी एक संग हम जनता से बच चुके हैं। और खबर दुर्ग से है, जहाँ पर दुर्ग पुलिस के द्वारा नशीले पदार्थ के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरे जिले की पुलिस सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान उड़ीसा राज्य से धमधा की ओर जा रही गांजे की खेप को पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपियों द्वारा पिकअप में अवैध गांजा शातिर तरीके से छिपा कर बेधड़क उड़ीसा राज्य के कई जिलों को सीमा पर चकमा दे करके धमधा ले जाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 क्विंटल 14 किलो गांजा बरामद हुआ है। साथ ही साथ 13,14,500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। गांजे का अवैध परिवहन हो रहा है बोलेरो गाड़ी में। इस पर से पुलिस, कुम्हारी पुलिस ने बारीकी से वाहनों का जांच किया। एक बोलेरो पिकअप वाहन में, जिसमें सब्जियां भरी थी, उसको पकड़ा और उसमें 2 क्विंटल 15 किलो के आसपास, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपया है, गांजा बरामद किया गया। उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मुख्य आरोपी जो है मनोज साहू, 42 साल, जो धमधा का थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा झरनेश यदु, 23 साल का, नया पारा साझा का रहने वाला है। और इनके द्वारा नुआपाड़ा उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था, ये विभिन्न जिलों में बेचते हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले
और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सीनियर आईएएस नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, आपने बाटिक अलग को बोर्ड बनाया था, क्या कहेंगे ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती थी। देखिए इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से यूपी देश की ओर लोगों की निगाहें हैं उद्योगपतियों की, यूपी एक बड़ा हब बन रहा है, कहाँ तक पहुँची वो बात कर? नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सा। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में।